झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है धनबाद से। कोरोना काल में भी अपराधियों ने पिछले 3 वर्षों का तोड़ा रिकॉर्ड, 1079 चोरी व 71 हत्या की घटनाएं। बीते वर्ष 2020 कोरोना वायरस की कहर ने जहां लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण कई लोगों की जानें चली गई। व्यावसायिक वर्ग हो या सरकारी गैर सरकारी विभाग के कर्मचारी लॉकडाउन की स्थिति में घर में रहने के लिए मजबूर हो गए। पूरे देश मानो ठहर सा गया। बावजूद अपराधियों की गतिविधियां कम नहीं रही। पिछले 3 वर्षों के अंतराल में सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं 2020 में ही घटित हुई। पुलिस जहां कोरोना वायरस के फैलाव रोकने के लिए सरकार के निर्देश के पालन में जुटे रहे। यह खबर है रांची से। रांची में जंगली हाथियों का उत्पाद, एक किसान को कुचलकर मार डाला, कई घरों को किया ध्वस्त। रांची के पिपरावार कोयलांचल क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का झुंड जमकर उत्पाद मचा रहा है। बीती रात जंगली हाथियों का झुंड हजारीबाग जिले से चतरा जिला में प्रवेश किया। इलाके के पिपरावार के बनहे गाँव निवासी किसान चेतलाल महतो को कुचल डाला, इससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करीब एक दर्जन से अधिक घरों को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया, जबकि 5 एकड़ से अधिक जमीन पर लगे फसल को बर्बाद कर दिया। घटना के काफी देर के बाद पहुंची वन विभाग की टीम के प्रति ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और ग्रामीण ने जमकर हंगामा किया। सूचना पाकर पिपरावार पुलिस भी मौके पर पहुंची और मोर्चा को संभाली। बर्ड फ्लू के खिलाफ से रांची में आधी हुई चिकन की बिक्री, नुकसान की आशंका से सहमे व्यापारी। यह खबर है रांची से। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक का असर झारखंड की राजधानी रांची के चिकन बाजार पर भी दिख रहा है। शहर के चिकन विक्रेता इससे काफी परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द ही बर्ड फ्लू पर काबू नहीं पाया गया तो कारोबारी की सीजन में बड़ा नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ शहर में फ्लू को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, इसका सीधा असर बाजार पर दिख रहा है। देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठान व कृषि क्षेत्र को प्राइवेट के हाथों बेच रही है मोदी सरकार। यह खबर है धनबाद से। बिहारी कोयलियारी कामगार यूनियन ने गुरुवार को केंद्रीय अस्पताल परिसर में सभा का आयोजन किया। प्रवक्ताओं ने कहा कि BCCL केंद्रीय चिकित्सालय धनबाद को प्राइवेट के हाथों में बेचने की साजिश बंद किया जाए। मजदूरों को गुलाम बनाने वाले 4 श्रम कोड कानून निरस्त नहीं करती है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में किसान विरोधी 3 काला कानून वापस सरकार को वापस लेना होगा। 7 लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जमशेदपुर के सूख सलाई को नंबर 1 बनाने के लिए सोहराय पेंटिंग की मदद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सूख सलाई को 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम लाने की दिशा में कवायद तेज कर दी गई है। सूख सलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जगदीश प्रसाद यादव के आदेश के बाद चौक चौराहों दीवारों आदि पर सोहराय पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। चतरा में 40 किलो कत्था के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 बाइक बरामद। यह खबर है रांची से। सिमरिया थाना पुलिस ने गुरुवार को 40 किलो कत्था के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में केरी डारी थाना क्षेत्र के सलगा गांव निवासी जानकी महतो और हवाया बिलरी निवासी विलास कुमार का नाम शामिल है। थाना प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 बाइक सवार दस्तक अवैध कत्था लेकर हजारीबाग की ओर जा रहे हैं। JPSC से नियमित बहाली पर क्या बोले CM हेमंत सोरेन, नई नियुक्ति नियमावली से छात्रों को ये मिलेगा फायदा। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वर्ष 1991 के बाद पहली बार JPSC में नियम नियुक्ति नियमावली बनेगी। गहन चिंतन के बाद नए नियम बनाए गए हैं। अब JPSC में नियमित रूप से बहाली की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा की परीक्षाओं के नए नियम को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा रूल्स 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें पूर्व की परीक्षाओं के दौरान उभरे कानूनी विवाद को सुलझाने का प्रावधान किया गया है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। मोदी राज में भारत पर भरोसा। वर्ष 2020 के दौरान उभरते बाजारों के बीच देश को मिला सबसे ज्यादा FII निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है। मोदी राज में विदेशी निवेशकों ने भारत पर भरोसा जताया है। भारतीय शेयर बाजारों में 2020 के दौरान
विदेशी संस्थागत निवेशकों से 23 अरब डॉलर से की उभरते बाजारों सबसे ज्यादा है। साल 2020 में जनवरी से दिसंबर तक FII ने भारतीय इक्विटी बाजार में कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। यह लगातार दूसरे साल है जबकि उभरते बाजारों के बीच भारतीय शेयर बाजारों में सबसे ज्यादा FII निवेश हुआ है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, हम न रुकेंगे न थकेंगे, मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार रेलखंड का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के परिचालन की भी शुरुआत की। हरियाणा और राजस्थान में 306 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक गुजरात के पोर्ट्स को उत्तर भारत से जोड़ने में सहायक होगा। इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रति मालगाड़ियां चलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल में देश के आगाज को अच्छा बताते हुए कहा कि आने वाला समय और शानदार जानदार होगा। उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे न हम थकेंगे, हम सब मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में हिंसा की पीएम मोदी ने की निंदा, बोले सत्ता का हस्तांतरण शांति से होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वाशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। बता दें, वाशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की, सीनेट में बवाल कटा। ईरानी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट, मामले में है मृत्युदंड का प्रावधान। अमेरिका में सत्ता को लेकर हुई हिंसा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उनके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में बगदाद की एक अदालत ने शीर्ष इराकी कमांडर की हत्या की जाँच के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अरेस्ट वारंट जारी किया है। जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर बन सकते हैं इलोन मस्क। दुनिया के सबसे बड़े अमीर शख्स अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की पदवी छीन सकती है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क जल्द ही दौलत के मामले में उन्हें दूसरे नंबर पर ढकेल सकते हैं। कोरोना काल में नहीं मिला टिकट या रिफंड तो पड़े ये काम की खबर। कोरोना काल में रेलवे ने पैसेंजर को राहत दी है। रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी है। इसकी वजह से यह कि कोरोना संकट के कारण कई लोग 6 महीने की मौजूदा अवधि के दौरान अपनी टिकट कैंसिल नहीं कर पाए हैं और उन्हें रिफंड नहीं मिला है। यही कारण है कि रेलवे ने टिकट कैंसिल करने की अवधि बढ़ाने में फैसला किया है। बर्ड फ्लू का संकट तो 100 रुपये किलो हो जाएगा चिकन। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे गति पकड़ रहे मांस और अंडे का व्यवसाय में पिछले 3 दिन से देश के कुछ राज्यों से बर्ड फ्लू की खबरें आने के बाद कमी आई है। कई शहरों में बुधवार को थोक में मुर्गा 120 से 90 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। फुटकर में इसकी कीमत 180 से घटकर 150 रुपए हो गई। अगर स्थिति जल्द काबू नहीं हो पाई तो एक अनुमान के मुताबिक जिंदा मुर्गा 30 से 40 रुपए और मांस 100 रुपए प्रति किलो से नीचे आ सकते हैं। न्यायमूर्ति हिमा कोहली बनी तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने गुरुवार को तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजभवन में एक कार्यक्रम में राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, डिप्टी सीएम अहमद अली समेत हाईकोर्ट के न्यायाधीश व वरिष्ठ नौकरशाही मौजूद रहे। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, यूके की उड़ाने पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ाए केंद्र सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से यूके की उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि यूके में कोविड-19 की बेहद गंभीर स्थिति को मद्देनजर मैं केंद्र से अनुरोध करता हूं कि वह प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दे। गौरतलब है कि 8 जनवरी से यूके और भारत के बीच उड़ाने पुनः प्रारंभ हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि चीन को बिना देर किए WHO की टीम को प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पाइने ने कहा कि चीन को WHO की टीम को कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए बिना देर किए अनुमति देनी चाहिए। WHO के वैज्ञानिक अध्ययन के महत्व को दोहराते हुए उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मिशन के निष्कर्षों को जानने के लिए उत्सुक है।
चीन ने टीम को प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। बीएसएफ की सख्ती से बांग्लादेश बॉर्डर पर टूटी गौ तस्करों की कमर, पिछले वर्ष की तुलना में हुई भारी कमी। पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती क्षेत्रों के जरिए बांग्लादेश में होने वाली गौ तस्करी हमेशा ही एक विवादास्पद मुद्दा रही है, लेकिन जिस काम में बीएसएफ का हस्तक्षेप हो जाए तो उसमें सफलता मिलना लाजमी हो जाता है। बीएसएफ के प्रयासों के कारण ही अब भारत से बांग्लादेश में होने वाली गौ तस्करी अपने निचले पायदान पर पहुंच गई है। इसका संकेत सीज हुए गौवंश की संख्या की है, जो पिछले वर्ष 29,720 की तुलना में इस वर्ष घटकर 5,449 पर आ गई है। यही नहीं, नकली नोटों की तस्करी पर भी बीएसएफ ने अपना शिकंजा कस लिया है, जो कि इसकी सफलता बयां कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा किसान आंदोलन में न हो तबलीगी जमात जैसी दिक्कत। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान बीते एक महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की अलग अलग सीमा पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इस बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन में कोरोना के हालात को लेकर चिंता जताई है। भारत को एक और खुशखबरी, शुरू हो रहा है इसका ट्रायल। देश में कोरोना वायरस की दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक के वैक्सीन को शामिल है। अब जल्द ही देश में वैक्सीनेशन भी स्टार्ट होने वाला है। इस बीच माना जा रहा है कि भारत को वैक्सीन के मोर्चे पर जल्द ही एक और अच्छी खबर मिल सकती है। खेल मंत्री रिजिजू ने डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में 162 बिस्तर के हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज के परिसर 162 बिस्तर के हॉस्टल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारे पास काफी अच्छी शूटिंग रेंज है, लेकिन हमारे पास हॉस्टल नहीं था, जिसके कारण हमें परिसर के बाहर रहना पड़ता था। अब यहाँ हॉस्टल होने से हम सुबह और दोपहर के सत्र में ट्रेनिंग कर सकते हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद सौरव गांगुली ने बचपन के दोस्त के लिए लिखा भावुक पोस्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को गुरुवार को कोलकाता के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से छुट्टी के बाद उन्होंने अपने बचपन के दोस्त जयदीप को जीवन के कठिन दौर में साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।